हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड टू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं प्रॉब्लम में क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिमिलर है मिनिमाइज, मतलब सिमिलर तो नहीं लेकिन उसका एक्सटेंशन बोल सकते हैं कि मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड वाला जो प्रॉब्लम किया था उससे है। तो ये उसी के ऊपर ऑन द बेसिस पे बनने वाला है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपने मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड तो पहले किया होगा, थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम का भी आइडिया रहेगा तो ये प्रॉब्लम समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में कुछ ऐसा है कि हमको ये 2D ग्रिड दे के रखा है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ जहाँ पे 1 है मतलब वहाँ वहाँ पर एक अनडायरेक्टेड एज है। तो जैसे कि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ये कि जैसे इसमें देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में एज है, और फिर 1 और 2 के बीच में तो 2 और 1 के बीच में तो रहेगा ही क्योंकि अनडायरेक्टेड एज है। फिर 3 और 4 के बीच में एज है, और 3 और 5 के बीच में एज है, फिर 4 और 3 के बीच में एज है, और 4 और 5 के बीच में एज है। सिमिलरली 5 3 और 5 4 के बीच में एज है। तो इससे जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसी के साथ हमको एक और एक एरे दे के रखा होगा, इनिशियल एरे। इनिशियल एरे में कुछ नोड्स के नंबर रहेंगे जैसे कि 1 2 4 ऐसा कुछ। अभी के लिए मैं ले लेता हूँ एक इनिशियल एरे, ये भी हमको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमको क्या दिया होगा, जो इनिशियल जो ये नोड्स दे के रखी है ना, इन नोड्स को इन्फेक्टेड है, ये सारी नोड्स इन्फेक्टेड है। मतलब नोड नंबर 2 इन्फेक्टेड है, नोड नंबर 1 इन्फेक्टेड है, नोड नंबर 2 इन्फेक्टेड है, और नोड नंबर 4 इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो कोई भी नोड अगर इन्फेक्टेड है तो उससे जो जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वो सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। तो होगा क्या कि 4 इन्फेक्टेड है तो 4 की वजह से 3 वाला नोड भी इन्फेक्ट हो जाएगा, 4 की वजह से 5 वाला नोड भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ और नोड्स होते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि 3 से और कुछ नोड्स निकल रहे होते, 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ नोड्स निकल रहे होते, तो होता क्या कि 4 की वजह से 3 इन्फेक्ट हुआ, 3 की वजह से 6 और 7 इन्फेक्ट हो गया, 7 की वजह से 8 और 9 इन्फेक्ट हो गया। तो इन्फेक्शन ऐसे फैल जा रहा, तो जितने भी लोग कनेक्टेड रहते वो सारे इन्फेक्ट हो जाते। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और हमको बोला क्या गया है कि मतलब कि पिछले प्रॉब्लम जो सिंपल था मेलवेयर स्प्रेड, उस वाले प्रॉब्लम में क्या करना था हमको, मतलब ये उसी के टॉप पे बन रहा है। तो मैं वो थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, मतलब ताकि समझने में मतलब थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो हमको ये जो सिंपल मिनिमाइज मेलवेयर स्प्रेड वाला जो प्रॉब्लम था उसमें क्या करना था कि हमको क्या अलाउड था कि हम ये किसी भी नोड जो है ना, ये जैसे कि नोड नंबर 4 यहाँ पर इन्फेक्टेड है, तो ये जो जितने भी नोड्स हैं इनमें से किसी भी एक नोड को मैं इन्फेक्शन उनका हटा सकता हूँ, उसका इन्फेक्शन हटा दूंगा तो कितने नोड सेफ हो जाएंगे मेरे को वो देखना था। कि जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि अगर मैं नोड 4 का इन्फेक्शन हटा दूँ तो क्या होगा कि नोड 4 अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो नोड 4 नहीं है तो 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, फिर ये इन्फेक्शन आगे भी नहीं जाएगा। तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, मतलब इतने सारे लोग बच जाएंगे। ठीक है, और अगर उसी की जगह पे मैं नोड 4 को ना हटा के नोड 1 और 2 भी इन्फेक्टेड है ना, तो अगर मैं नोड 4 को ना हटाऊँ नोड 2 का इन्फेक्शन हटाऊँ अगर मैं, तो नोड 2 का इन्फेक्शन हटाऊंगा तो क्या होगा, अभी भी नोड 2 का इन्फेक्शन हट गया लेकिन नोड 1 अभी भी इन्फेक्टेड है, तो नोड 1 इनको इसको इन्फेक्ट कर देगा, तो कुछ लोग बचे नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर नोड 2 की जगह पे मैं नोड 1 का इन्फेक्शन हटा दूँ तो क्या होगा कि नोड 1 का इन्फेक्शन तो हट गया लेकिन नोड 2 और नोड 3 भी इन्फेक्टेड है, तो नोड 2 नोड 1 वाले को इन्फेक्ट कर देगा, कोई कुछ सेफ नहीं हुआ। मतलब तो सबसे ज़्यादा लोग कब बच रहे थे, जब हम लोग मतलब ये नोड्स का बच रहे थे, जब हम लोग नोड 3 को बचा रहे थे, मतलब इन अनइन्फेक्ट कर रहे थे। तो हमको क्या बताना था कि किस नोड को मतलब अनइन्फेक्ट करेंगे तो मतलब सबसे ज़्यादा ये लोग बच जाएंगे, तो हमको वो नोड रिटर्न करना था। तो इस पर्टिकुलर केस में नोड 4 था मतलब अपना आंसर। तो ये था पिछला प्रॉब्लम, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि सिर्फ नोड को जो इन्फेक्टेड था इन्फेक्शन हटा रहे थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उसका एक्सटेंशन है, इसमें क्या करना है हमको कि करना वही है कि मतलब हमको नोड्स को हटा देना है, नोड्स को हटा के मतलब बताना है कितने लोग बच जाएंगे। लेकिन पिछले वाले में क्या कर रहे थे कि हम लोग सिंपली नोड का इन्फेक्शन हटा रहे थे। इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करना, इस प्रॉब्लम में क्या करना है कि अगर हमने नोड 4 को हटाया तो क्या होगा कि ये नोड 4 हटाया ना, तो नोड 4 का सिर्फ इन्फेक्शन नहीं हटेगा, नोड 4 ही पूरा हट जाएगा, ये कनेक्शन ही टूट जाएगा, ख़त्म। अब ये कनेक्शन ही टूट जाएगा। तो जैसे कि अगर पिछले वाले केस में जब हम लोग नोड 1 को हटा रहे थे, इस वाले में तो जैसे कि यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि नोड 1 का इन्फेक्शन था वो हम लोग हटा दे रहे थे, फिर भी नोड 2 इसको इन्फेक्ट कर पा रहा था। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर हम लोग नोड 1 का इन्फेक्शन हटाएंगे तो नोड 1 ही यहाँ से चला जाएगा, सारा लिंक भी टूट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमको बताना है कि मतलब अब कैसे, मतलब किसी पर्टिकुलर केस में हम लोग मतलब अब कितने लोग को बचा सकते हैं। तो ये केस कैसे अलग है वो देखिए, मतलब इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि अगर समझते हैं, कुछ एक ऐसा ग्राफ होता हमारे पास, नोड 1 यहाँ होता, नोड 2 यहाँ होता, नोड 3 यहाँ होता, नोड 4, नोड 5, नोड 6, नोड 7 ऐसा कुछ होता। ठीक है, नोड 7,
और नोड 8, नोड 9, ठीक है। और यहाँ पर समझते हैं कि ये जो है नोड 4 भी इन्फेक्टेड है, नोड 4 इन्फेक्टेड है और नोड 1 इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो पिछले वाले प्रॉब्लम के हिसाब से क्या था कि हम किसी भी एक नोड का इन्फेक्शन हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस बार जो इनिशियल एरे है हमारा वो कुछ ऐसा होगा, नोड 1 और 4 इन्फेक्टेड है। तो अगर पिछले वाले प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो हम किसी भी एक नोड का इन्फेक्शन हटा सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 का पिछले वाले प्रॉब्लम से सिर्फ अगर हमने 1 का इन्फेक्शन हटाया तो क्या होगा, कुछ लोग सेफ होंगे क्या? कोई भी लोग सेफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 अभी भी इन्फेक्टेड है, वो बाकी सबको इन्फेक्ट कर ही देगा अभी भी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 की जगह 4 का इन्फेक्शन हटा दूँ फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? 1 अभी भी इन्फेक्टेड है और वो बाकी सबको इन्फेक्ट ही कर देगा, ठीक है। ये था सिंपल मालवेयर स्प्रेड वाला जो प्रॉब्लम था पिछला वाला, उसके हिसाब से सॉल्यूशन, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन ये क्या है, मालवेयर स्प्रेड 2 सेकेंड, उसका अगला वर्जन है। इसमें क्या बोलता है कि हम किसी भी नोड को हटाएंगे तो पूरा लिंक तोड़ देंगे। तो अब देखते हैं कि देखिए 4 भी इन्फेक्टेड है, 4 और 1 भी इन्फेक्टेड है। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं समझता हूँ कि मैंने 1 को हटाया तो होगा क्या, 1 के सारे लिंक्स टूट जाएंगे, ये सब टूट जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं बचेगा। अब इस केस में देखिए कुछ लोग बच गए क्या, मतलब तो इस वाले केस में देखिए हाँ कुछ लोग बच गए। ये देखिए कि 4 तो इन्फेक्टेड है तो 4 क्या करेगा, 5 और 6 को तो इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन ये जो 3 वाला नोड है ये सेफ हो गया, 2 वाला नोड सेफ हो गया, 7, 8 और 9 ये नोड सेफ हो गए, ठीक है। तो ये इस वाले केस में बच रहे हैं लोग। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन मतलब अलग है उससे पिछले से। अगर और वैसे ही अगर मैं 1 की जगह पे 4 को हटा दूँ, मतलब 4 का इन्फेक्शन हटा दूँ, तो देखिए क्या होगा। अगर मैंने 4 का इन्फेक्शन हटाया तो ये 4 वाला नोड चला जाएगा और इसके सारे लिंक्स भी टूट जाएंगे। अब क्या होगा कि 1 तो अभी भी इन्फेक्टेड है तो 1 क्या करेगा, अपने नेबर्स की वजह से इसको 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 तो इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन ये नोड 5 और 6 अभी भी बचे जाएंगे, ठीक है। तो ये पिछले प्रॉब्लम से अलग है। अब हमको बताना है कि अगर सारे लिंक्स भी तोड़ रहे हैं हम लोग, तब हमको किस नोड को मतलब ये हटाना चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएँ, मतलब वो है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर बाकी पार्ट सेम ही है कि अगर मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब 1 को भी हटाने पर सेम ही लोग बच रहे हैं, 4 को भी हटाने पर सेम ही लोग बच रहे हैं, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी, 1 है, तो हम लोग 1 रिटर्न करेंगे, ये वाला काम है। ये तो बाकी प्रॉब्लम सेम ही है। तो मतलब प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मतलब बहुत सिमिलर है उससे, बस फर्क इतना है कि पिछले हम लोग सिर्फ इन्फेक्शन हटा रहे थे, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि किसी नोड को अगर हटा रहे हैं तो उसके जितने भी कनेक्शन है वो भी तोड़ दे रहे हैं, मतलब ये सारे कनेक्शन भी तोड़ दे रहे हैं, बस खत्म। अब बता रहे हैं कि हम लोग क्या करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे ही, ये एडिशन ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो इससे हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ बना देंगे सबसे पहले। लेकिन ग्राफ बनाएंगे कैसे, पिछली बार तो हम लोग डायरेक्टली ग्राफ बना रहे थे, इस बार अगर हमने समझ ली नॉर्मल ग्राफ बना दिया ऐसा कुछ 1, 2, 3, 4, 5 जो भी बन गया, फिर हमने क्या देखा कि ये 4 जो है ये इसके अंदर है, समझ लेते हैं 3 भी होता है यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, अब 3 वाले को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से हटा कर देखना पड़ेगा। तो ये वाला काम तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग एक एक करके पहले पूरा ग्राफ बना दिए, फिर इसके अंदर एक एक करके ट्रैवल किए और देखे कि अच्छा 2 को हटाना है तो यहाँ पर 2 है तो 2 को हटा कर देखो, इस ग्राफ से डिलीट करो, फिर काम हो जाने के बाद वापस से 2 को इस ग्राफ के अंदर ऐड कर दो। तो ये वाला बहुत मतलब हैवी टास्क है, मतलब इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम भी बहुत लग जाएगा और मतलब सॉल्यूशन में भी मुश्किल होगा बहुत। तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ क्या करेंगे ना, ग्राफ जब बना रहे होंगे तो जो जो नोड्स इस इनिशियल लिस्ट के अंदर हैं, मतलब इन्फेक्टेड नोड्स हैं, उनको ऐड ही नहीं करेंगे। जैसे कि मैं बना रहा हूँ 1 से बनाऊंगा, 1 से मैं कुछ नोड्स हैं, मैं देखूंगा कि 1 इस लिस्ट के है तो मैं 1 वाले नोड्स को ऐड ही नहीं करूंगा, ठीक है। समझ लेते हैं कि 4 के कुछ 7 के कुछ नोड्स हैं, 7 इसमें नहीं है तो ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बाकी सारा ग्राफ बना दूंगा। आप समझ लेते हैं कि 4 से 8 एक समझ लेते हैं एक लिंक होता, ठीक है मतलब इसके अंदर, तो मैं 4 से 8 वाला लिंक नहीं बनाऊंगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा 4 से 8 वाला लिंक नहीं बनाऊंगा, इसको मैं बाद में हैंडल कर लूंगा कि अगर 4 से 8 वाला लिंक हो, मतलब जब पूरा ग्राफ बन जाएगा उसके बाद मैं इसको हैंडल कर लूंगा कि अगर 4 से 8 वाला लिंक यहाँ पर होता तो क्या होता, हटाने पर कितने लोग बच जाते, वाला काम मैं बाद में कर दूंगा, ताकि मतलब ये एक्स्ट्रा काम नहीं, तो अगर मैंने अभी डाल दिया तो क्या होगा कि मैंने लिंक डाल दिया फिर हटाना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा, ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो इससे ज़्यादा अप्रोच ये होगा, अच्छा वाला अप्रोच होगा कि मैं अभी ऐड ना करूँ, अभी जो जो अनइन्फेक्टेड नोड्स हैं सिर्फ उनका नेटवर्क बना लूँ कि ये मेरे पास सेव है, ये सब नोड्स के लिए सेम होगा, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 4 के लिए भी, 3 के लिए भी। अब मेरे को 3 को ऐड करके देखना है तो मैं 3 को ऐड करके देख लूँगा कि 3 को अच्छा इधर ऐड करना है, उसका पोजीशन है, ऐड करके देख लूँगा कि अगर 3 ऐड हुआ तो किस तरीके से नेटवर्क को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो पहले सिंपल मतलब इसी के बेसिस पर बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले जाते हैं और सिंपल से ग्राफ बनाकर आ जाते हैं इस वाले का, इस ग्राफ के सामने। और ग्राफ के साथ एक और चीज़ कि जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था कि ग्राफ जैसे कि
ऐसा अगर ग्राफ कुछ बनता है, 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, ठीक है। और मतलब अगर यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक इन्फेक्टेड नोड 4 होता जो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जुड़ा हुआ है, 7 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ में से 4 को हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 4 लोग बच जाएंगे, मतलब ये 4 लोग सेफ हो जाएंगे क्योंकि 4 हट गया है यहाँ से। तो ये इस ग्रुप में कितने लोग हैं उसके हिसाब से, अगर यहाँ पर एक और बंदा होता 10 तो 5 लोग सेफ हो जाते, और एक बंदा होता 11 तो 6 लोग सेफ हो जाते। तो ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में कितने लोग हैं उसकी मुझे ज़रूरत है, मतलब जैसे कि पिछला क्वेश्चन मतलब आपने किया होगा, आपको पता ही होगा। तो ये ग्रुपिंग, एक एक ग्रुप की ज़रूरत है मेरे को। तो ग्रुप बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमको यूनियन फाइंड का यूज़ करके हम लोग जितने भी लोग मतलब एक कंपोनेंट के अंदर है ना, उनका ग्रुपिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं हम लोग अभी। ग्रुपिंग वाला पार्ट में अगर आपको डाउट आ रहा है कि ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप ये इसी प्रॉब्लम का मालवेयर स्प्रेड 1 वाला एग्जांपल देखें, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मालवेयर स्प्रेड में मतलब ये ग्रुपिंग, डिजाइन सेटिंग, यूनियन वगैरह क्यों चाहिए, वो वाला मैंने पार्ट उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो वाला पार्ट आप वहाँ से रिफर कर सकते हैं, यहाँ मैं उसके ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं दूंगा अभी। तो अभी के लिए हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हमने क्या बोला कि हम लोग थोड़ा डिजॉइंटेड यूनियन वगैरह के लिए जो अपना चाहिए वो कर लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले एक वेक्टर ऑफ इंटीजर पेरेंट बना लेते हैं, इसका कितना होगा ग्राफ डॉट साइज, ठीक है। एक रैंक एरे बना लेते हैं, वो भी कितना होगा ग्राफ डॉट साइज, और इनिशियली सबकी रैंक 1 होती है तो 1 ही डाल देता हूँ मैं, सबका पेरेंट इनिशियली वही होता है। तो आई लेस देन पेरेंट डॉट साइज प्लस प्लस आई, पेरेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा, पेरेंट ऑफ आई आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको ग्राफ जो था बनाना था, मतलब वो सेट्स बनाने थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ही ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ग्राफ डॉट साइज, ग्राफ डॉट साइज प्लस प्लस आई, और इसकी ज़रूरत नहीं, फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन ग्राफ ऑफ 0 डॉट साइज प्लस प्लस जे। अगर मैं चेक करूँगा इफ ग्राफ ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू 1, मतलब ग्राफ बनाएंगे कैसे, मतलब हमको ऐसे सेट्स बनाना था ना कि 1 और 2 एक ग्रुप में है, 3 एक ग्रुप में है, 4 एक ग्रुप में। तो कैसे देखूंगा कि अगर 1 और 2 के बीच में लिंक है तो मतलब इन दोनों को एक ग्रुप में डालने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी चेक करना है कि हमने क्या बोला था कि अगर कोई नोड्स इसके अंदर है, इन्फेक्टेड नोड है, तो उसको हम लोग ग्राफ में अभी ऐड नहीं करेंगे, लास्ट में ऐड करके देखेंगे। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इनिशियल वाले एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए या तो एक बार हर बार किस हर नोड के लिए चेक करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ टाइम एंड टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेते हैं अनऑर्डर सेट ऑफ इंटीजर का, और उसके अंदर ये सारे नोड्स को चेक कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ओवन टाइम में चेक कर लेंगे कि कोई भी नोड जो है मेरा, मतलब जैसे कि नोड नंबर 4, वो इन्फेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर सेट 1 बना लेता हूँ, और फॉर ऑटो एम्परसेंड एलिमेंट इन इनिशियल सेट 1 डॉट इंसर्ट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट चलेगा। अब मैं चेक करूँगा कि इसके साथ एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेट 1 डॉट फाइंड दिस आई शुड बी इक्वल टू सेट 1 डॉट एंड, मतलब एंड सेट 1 डॉट फाइंड जे शुड बी इक्वल्स टू सेट 1 डॉट एंड, मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है इनिशियल एरे के अंदर नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, तब मैं इनको मतलब ऐड कर सकता हूँ मेरे ग्राफ के अंदर, ठीक है। सब अब क्या करेंगे, हर ग्राफ को मैं जैसे कि ठीक है, अगर 1 कोई नोड मिला मेरे को 9 और 10, मैंने देख लिया कि ठीक है 9 और 10 के बीच में एज है यहाँ पर, और वो इसके अंदर भी नहीं है, तो ठीक है इनकी ग्रुपिंग कर दो। और ग्रुपिंग कैसे करते हैं, मतलब वो यूनियन फाइंड से कर देंगे पेरेंट के हिसाब से। तो यूनियन फाइंड वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उतना मैं समझ के चल रहा हूँ कि वो तो आपको आता है। इंटीजर लीडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड आई कॉमा पेरेंट, अगर उसमें डाउट है तो यूनियन फाइंड की वीडियो रिफ़र कर सकते हैं आप लोग। फाइंड जे कॉमा पेरेंट If leader of x is not equals to leader of y, तो हमको करना पड़ेगा कि if rank of leader of x is greater than rank of leader of y, तो क्या करेंगे हम लोग, ये parent of leader of y क्या हो जाएगा, leader of x, and rank of leader of x क्या हो जाएगा, plus equals to
रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एल्स केस में इसका रिवर्स कि पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लीडर ऑफ वाई एंड रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स, ठीक है। पेरेंट कर लिया, रैंक को बराबर कर दिया, पेरेंट और रैंक को बराबर कर दिया, ठीक है। एक फाइंड फंक्शन भी लिख ही देते हैं, भूल जाएंगे इसको लिखना। तो एक इंटीजर फंक्शन फाइंड इंटीजर एक्स लेगा और वेक्टर ऑफ इंटीजर पेरेंट लेगा ये, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि इफ़ एक्स इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ एक्स, तो यही आंसर, तो सिंपली रिटर्न एक्स कर दो, नहीं तो रिटर्न क्या करना है, पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स कॉमा पेरेंट, पाथ कंप्रेशन भी करते दिया हमने यहाँ पर एक साथ, तो ये वाला पार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग ओपन बोर्ड के ऊपर। तो अब तक हमने क्या कर लिया कि हमने ये इस ग्राफ से जो जो नोड्स सही हैं उन पर कनेक्शन बना लिया, जैसे 7, 8, 9 ऐसा करके कुछ कनेक्शन बना लिया, 10, 11, 12 ऐसा करके कुछ कनेक्शन बना लिया, ऐसे जितने भी थे 13, 14, 15, 16 ऐसा करके कुछ कनेक्शन बना दिया हमने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक एक करके चेक करना है कि मतलब कि किसको हटाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो समझते हैं कि मतलब ओरिजिनली समझते हैं कि 1 जो है ना, 1 और 7, 10 और 13 इन तीनों के बीच में क्या है, 1, 7, 10 और 13 के बीच में ओरिजिनली मान लेते हैं एक एज था, मतलब इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर था एज, लेकिन हमने ऐड नहीं किया। तो मतलब यहाँ पर नोड 1 रहेगा, 7, 10 और 13 के बीच में ओरिजिनली एज था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं 1 को हटा सकता हूँ। तो अगर मैंने मतलब एज तो ऐड किया नहीं था, तो अगर मैंने 1 को यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, 1 का कनेक्शन इन तीनों से टूट जाएगा। तो अब होगा क्या, इधर कितने लोग हैं, इधर 3 लोग हैं, इधर 3 लोग हैं और इधर 4 लोग हैं, तो कितने लोग सेफ हो जाएंगे, 4 + 3 + 3 = 7 इतने लोग सेफ हो जाएंगे। समझ लेते हैं कि ऐसा ही एक और कुछ कनेक्शन होता है, एक और ग्राफ इधर बना लेता हूँ मैं, छोटा सा एक बना लेता हूँ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसा कुछ एक और ग्राफ का ग्रुप है, और यहाँ पे नोड नंबर जो 2 है, 2 का इन दोनों से कनेक्शन है, 7 से कनेक्शन है और इस वाले ग्रुप से कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैंने 2 वाले को डिलीट किया तो क्या होगा, ये दोनों ग्रुप अलग हो जाएंगे, तो अब ये लोग इन्फेक्टेड नहीं रहे। तो इधर कितने लोग हैं, 4, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर 7, तो 7 + 4 कितना आ रहा है, 11, ठीक है। तो इधर 11 लोग सेफ हो रहे हैं, तो मैं एक एक करके सब ग्रुप को अटैच करके देखूंगा कि वो कितने लोगों को सेफ कर पा रहा है उन दोनों में से, जो भी मेरा मैक्सिमम होगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में 2 आ रहा है, तो वो वाला मेरा आंसर होगा, यही होगा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक आइडिया तो यही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मतलब छोटे छोटे टेस्ट केसेस जैसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंस सकते हैं कोड, वो वाला पार्ट मतलब देख लेते हैं कि मतलब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो 1 है इसका कनेक्शन इससे 13 से था, 7 से था, 10 से था, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये 10 और 9 का भी आपस में कनेक्शन है मान लेते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, 10 और 9 का भी आपस में कनेक्शन है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये 1 के लिए ये वाला ग्रुप बार बार काउंट कर लेंगे, लेकिन ये दोनों तो एक ही ग्रुप में, मतलब ये पूरा तो एक ही ग्रुप है, ये वाला तो एक ही ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 के आगे मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे कि 1 जो है इस ग्रुप में जाएंगे, 1 के आगे जितने भी रोज में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर ट्रैवल करेंगे, देखेंगे कि अगर 1 है तो मतलब 1 का और इनके बीच में कुछ ना कुछ मतलब लिंक है। तो हम लोग ये जो भी लिंक है 7 से क्या है, 7 से पूछेंगे तुम्हारा पेरेंट क्या है, तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप का पेरेंट क्या है, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप का जो पेरेंट है वो मान लेते हैं 10 है, तो 7 वो लेगा 10 है। तो 1 क्या, मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड मैप मेंटेन करूँगा, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें सारे यूनिक पेरेंट स्टोर करूंगा, मतलब यहाँ पर इन्फेक्टेड नोड रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, यूनिक पेरेंट्स स्टोर करूंगा मैं, यहाँ पर यूनिक पेरेंट्स या लीडर स्टोर करूंगा। तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैं 1 है, मैं 1 के नेबर्स में यहाँ पर मतलब ट्रैवल करूंगा, और जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पर जाके मैं क्या पूछूंगा कि जैसे कि मैं 1 है तो 7 के सामने 1 है, तो मैं 7 से पूछूंगा तुम्हारे ग्रुप का पेरेंट क्या है, 10 है,
तो मैं वन के आगे जो ये मैप है वन में, उसमें एक टेन स्टोर कर लूँगा कि ठीक है टेन नाम का एक है मेरे पास एक बंदा। मैं अब वापस से जाऊँगा इलेवन वाले में, ये टेन नहीं है, मतलब दो टेन नहीं हो सकते, तो यहाँ पर 18 कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और फिर इलेवन वाले से अगले वाले नेबर से पूछूंगा एट, एट से पूछा तुम्हारे ग्रुप का लीडर क्या है, तो उसने बोला टेन है, तो मैं देखा टेन टेन तो ऑलरेडी एडेड है तो फिर से ऐड नहीं होगा। तो ऐसे देख रहे हैं दो बार जो काउंटिंग होनी थी वो नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार हो रही है, ठीक है। फिर मैं 13 से पूछा तुम्हारा लीडर कौन है, 13 ने बोला कि 18 ने, ये 15 है मेरा लीडर, तो एक और लीडर 15 के नाम का ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। और फिर जब मेरे को साइज पता करना है कि टोटल मतलब कितने लोग सेफ हुए, तो मैं क्या करूँगा 10 का रैंक जो भी है वो मैं ऐड कर लूँगा, और 15 का रैंक जो भी है वो मैं ऐड कर लूँगा। वो मैंने क्या बोलते हैं वो यूनियन फाइंड से रैंक और पेरेंट एरे तो मेंटेन करके रखा हुआ ही है पहले से, तो वहाँ से मैं रैंक सेफ ऐड कर लूँगा, तो ये टोटल कितने लोग सेफ हो गए वो मेरे को पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये काम हम लोग करेंगे, तो ये जो भी डिस्कस किया इतना लिख के आ जाते हैं इस वाले कोड को। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या चाहिए, एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और मैं फोन करके बना लेता हूँ वो फॉर इंटीजर एलिमेंट इन इनिशियल, ठीक है। अब कोई जो भी एलिमेंट आएगा उसके हमको उसके रो में ट्रैवल करना है कहाँ कहाँ पे वन है, जो इन्फेक्टेड नोड्स हैं उसके रो रो में कहाँ कहाँ पे वन है। सो फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इज लेस देन ग्राफ ऑफ ज़ीरो डॉट साइज प्लस प्लस जे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि इफ़ ग्राफ ऑफ एलिमेंट कॉमा जे इफ इट इज़ डबल इफ इट इज़ इक्वल्स टू वन, मतलब इन दोनों के बीच में वो है, ठीक है। एंड कुछ और कंडीशंस भी हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं, कि ये दोनों के बीच में एक वन तो होना चाहिए, प्लस समझ लेते हैं कि वन और टू दोनों इन्फेक्टेड नोड्स हैं ना, वन और टू दोनों इन्फेक्टेड नोड्स हैं यहाँ पर। तो अगर वन और टू के बीच में जैसे यहाँ पर एक कनेक्शन दिख रहा है, वन और टू के बीच में कनेक्शन होता तो क्या मतलब मेरे को ये कनेक्शन करना चाहिए क्या, वन और टू के बीच में का जो कनेक्शन है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये तो इन्फेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट हो भी जाएगा तो मतलब क्या ही फ़ायदा है, एक तरीके से समझ रहे हैं कि अगर वो पहले से ही इन्फेक्टेड है तो उसको ऐड करने का क्या फ़ायदा है। तो वो वाले केस को अभी हैंडल कर लेते हैं कि एंड ये सेट डॉट फाइंड ये जे शुड बी इक्वल्स टू सेट डॉट एंड, ठीक है, ये होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हम लोग इस एलिमेंट को मतलब ऐड कर सकते हैं, अगर ये दोनों केसेस हैं तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लीडर फाइंड कर लेंगे, लीडर ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइंड ये कौन सा है जे एलिमेंट, जे वाले का लीडर फाइंड कर लेंगे, पेरेंट एरे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना था हमको कि हाँ लीडर मिल गया है हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे ये वाले पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर मिल जाएगा हमको, कि जब मान लेते हैं 10 है तो हम लोग ये अपने अनऑर्डर्ड मैप में इसको 10 को ऐड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मैप वन ऑफ एलिमेंट डॉट इंसर्ट दिस लीडर ऑफ एक्स, इसके आगे 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, लेकिन अब एक और चीज़ मैं ध्यान में लगाना चाहूँगा, ये देखते हैं कि समझते हैं कि अगर कोई ऐसा ग्रुप होता, मान लेते हैं एक तीन और चार, तीन चार पाँच छः ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं मतलब, और इससे ना दो नोड्स कनेक्टेड, एक एक नोड है वन नाम का वो इससे कनेक्टेड है जो इन्फेक्टेड है, और एक नोड है टू नाम का जो इससे कनेक्टेड है और इन्फेक्टेड है, ठीक है, मतलब जिसको हमने ओरिजिनली तो कनेक्ट नहीं किया है। तो जब मैं वन के थ्रू चेकिंग करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि ये जो चारों ये जो मतलब मैं देख वन के थ्रू जब चेकिंग करूँगा तो मैं आंसर में क्या ये वन टू थ्री फोर ऐड कर लूँगा, ठीक है। और जब मैं टू के थ्रू चेकिंग करूँगा मतलब तो भी मैं क्या करूँगा आंसर में ये वन टू थ्री फोर ये चार नोड ऐड कर लूँगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्यों, इनिशियल एरे में हमारे पास क्या है, नोड वन है नोड टू है ऐसे करके कुछ कुछ नोड्स हैं जो इन्फेक्टेड है, हम इनमें से किसी एक नोड को ही हटा सकते हैं, या तो वन हटाएंगे या तो टू हटाएंगे। तो जब मैंने वन वाले नोड को हटाया है ना तो इसका मतलब क्या है कि ये मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें तो 3645 ही बनाया था, लेकिन असली में एक ही नोड हटा सकता हूँ ना। तो अगर मैं वन वाले को हटा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या, टू वाला प्रेजेंट होगा। तो अगर ये टू वाला क्या करेगा, इन चारों को इन्फेक्ट कर देगा, तो ये जो फोर ऐड कर रहा हूँ वो गलत है यहाँ पर। सिमिलरली जब मैं अगर मैं टू वाले नोड को हटा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए तो ये ग्राफ चार नोड्स का बनाया था, लेकिन हमको अलाउड हटाना तो एक ही एलिमेंट है। तो अगर मैं टू को हटा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये चारों ग्राफ का पार्ट है, मतलब ये चार, तो ये वन इन्फेक्टेड है तो ये वन इनको क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा उस वक्त, तो ये जीरो ऐड होगा यहाँ पर उसकी वजह से। तो हमको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक चीज़ और मेंटेन करके चलना पड़ेगा,
कि ये किसी भी ग्रुप में है ना, किसी भी ग्रुप में टोटल कितने नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स कनेक्टेड हैं उससे, मतलब अगर एक से ज़्यादा नोड्स कनेक्टेड हैं उससे तो मतलब उस ग्रुप को मतलब हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब उस ग्रुप में अगर एक एलिमेंट को हटा भी देंगे तो दूसरा वाला क्या कर देगा, सबको इन्फेक्ट कर देगा। और ये सेम पॉइंट मैंने सिंपल मालवेयर स्प्रेड में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसको रिफ़र कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मैंने इसको जल्दी समझा दिया इस बात को, तो उसको रिफ़र कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब किसी भी ग्रुप में जो ये लीडर है, जब हम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये लीडर फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर ये जो लीडर स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं, हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर का। वहाँ पर क्या स्टोर कर लेंगे ये किसी भी लीडर को, कि वहाँ पर क्या स्टोर कर लेंगे कि ये लीडर है और ये काउंट है उसका, ठीक है। तो किसी भी लीडर को मतलब ये किसी भी ग्रुप, ये हर एक कोई भी एक ग्रुप होगा, ग्रुप का एक लीडर होगा, तो उस लीडर वाले ग्रुप से कितने नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स कनेक्टेड है। अगर एक से ज़्यादा नोड्स कनेक्टेड है ना, तो उस ग्रुप को का जो टोटल सम है वो हमेशा जीरो ऐड होगा, क्यों, एक नोड हटेगा तो दूसरा वाला नोड बाकी सबको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर किसी ग्रुप से सिर्फ अगर एक ही इन्फेक्टेड नोड जब कनेक्टेड है ना, तब उस ग्रुप का मतलब टोटल साइज हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्यों, ये वाला ग्रुप हट जाए, ये वाला एलिमेंट हट जाएगा तो ये बाकी चारों सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये वाला एक भी ये भी चीज़ हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप टू कर लेते हैं, मैप टू। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है, इफ मैप वन ऑफ एलिमेंट डॉट फाइंड, मैप वन ऑफ एलिमेंट है ना, हाँ, मैप वन ऑफ एलिमेंट डॉट फाइंड लीडर ऑफ एक्स इज डबल इक्वल टू मैप वन ऑफ एलिमेंट डॉट एंड। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन अंदर कर लेता हूँ, इसको अंदर डाल देते हैं, प्लस 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 मैप टू ऑफ लीडर ऑफ एक्स, ठीक है। ये काम हो गया, तो हमने ये वाला पार्ट अपना कर लिया। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है वो ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक थे कि हमको ऐसा पता था कि ये 1 2 3 ये ऐसा ग्रुप है, 4 5 6 ऐसा ग्रुप है, और ये एक इन्फेक्टेड नोड 1 है, वो इनसे कनेक्ट हो सकता है। तो वो जो जितना इस ग्रुप का साइज रहेगा उतने लोग ठीक हो जाएंगे, जितना ग्रुप इस ग्रुप का साइज होगा उतने लोग ठीक हो जाएंगे। तो इस ग्रुप में कितने लोग हैं, इस ग्रुप में कितने लोग हैं, वो हमको पता होना चाहिए। तो और उसके लिए, और मतलब ऐसा भी हो सकता था कि ये इंटरनली मतलब ऐसा कुछ कनेक्टेड हो, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, तो हमको मतलब ये कितने 1 के करेस्पॉन्डिंग कितने यूनिक मतलब ग्रुप्स हैं वो हमको चाहिए। तो वो हमने यहाँ पर इसकी मदद से निकाल लिया। अभी हमने क्या किया था कि एक अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर का, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर का एक ऐसा कलेक्शन बनाया है यहाँ पर, जिसमें 1 के आगे कितने यूनिक पेयर्स हैं, मतलब 1 के आगे 2 3 और 4 मान लेते हैं, ये 3 यूनिक पेरेंट्स ये हमारे पास स्टोर हो गए मतलब। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 का साइज़, 3 का साइज़ और 4 का साइज़ जितना भी है वो ऐड कर लेंगे। मतलब अब तो हमको सिंपली यही करना है कि 1 के लिए ये ऑप्शन है, मान लेते हैं 5 के पास कुछ और ऑप्शन है 8 और 9, तो हम सारे के ऊपर ट्रैवल करेंगे, 1 वाला मैक्सिमम आंसर दे रहा है या 5 वाला आंसर मैक्सिमम दे रहा है, वो बस कैलकुलेट करना है हमको और मैक्सिमम प्रिंट करना है, तो वही काम बाकी रह गया अब। तो क्या करते हैं कि बाहर आ जाते हैं, 2 वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर आंसर इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम साइज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंटीजर एलिमेंट इन इनिशियल, ठीक है, फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन ये, या इसकी ज़रूरत नहीं, ये इसके आगे मतलब ये तो हमने निकाल ही लिया ना कि 1 के आगे कौन कौन से यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो इनका ही सम करना है, तो वही कर लेता हूँ। सो फॉर ये इंटीजर नेबर्स, नेबर्स इन वॉट, ये जो हमने बनाया मैप 1, मैप 1 ऑफ एलिमेंट, इसके आगे कितने भी एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि 1 के आगे जो है ये, अगर 1 के आगे की बात की जाए, 1 के आगे मान लेते हैं, मतलब ये अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ऐसा कुछ था कि इधर 5 6 7 है, इधर 8 9 10 है, 8 9 10 है, इधर 11 12 और इधर 13 14 ऐसा कुछ है, और इधर
बोलते हैं इधर वन है, तो वन का ओरिजिनली इन लोग से एक लिंक था इस ग्राफ के अंदर जो मैंने नहीं कनेक्ट किया था। तो अगर मैंने वन को तोड़ दिया इधर से तो क्या होगा कि ये तीनों बच जाएंगे वन से, तो ये तीनों सेफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये वाला जो 10 है ये अंदर जाके इससे कनेक्टेड हो, तो ये तो दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट है, तो ये आंसर बार बार ऐड हो जाएगा, दो बार ऐड हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो मैंने ग्रुप तो बनाकर ही रखे थे ना, मतलब ग्रुप बनाकर ही रखे थे मैंने, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो मैंने इस ग्रुप का जो लीड वन के आगे क्या स्टोर कर लिया, जितने भी यूनिक लीडर्स हैं। तो मान लेते हैं इस ग्रुप का लीडर 11 था तो एक 11 स्टोर हो गया, और इस ग्रुप का लीडर मान लेते हैं 7 था तो एक 7 स्टोर हो गया। तो अब क्या करूँगा, जब मैं रिमूव करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो 5 7 वाला लीडर है इसका रैंक ऐड कर दूंगा, और ये जो 7 वाला है इसका रैंक ऐड कर दूंगा मेरे आंसर में वन के करस्पॉन्डिंग, कि मतलब वन के हटाने से इतने सारे एलिमेंट सेफ हो जाएंगे, ठीक है, ये करूंगा। लेकिन एक चीज़ और मैंने बताई थी कि ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप, एक कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जैसे कि 7 8 9 ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इससे दो इन्फेक्टेड नोड्स कनेक्ट, दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड है, एक वन भी कनेक्टेड है और एक यहाँ कहीं पे मान लेते हैं 3 करके एक नोड है इन्फेक्टेड, वो भी कनेक्टेड है। तो अगर मैंने वन को हटाया तो मैं इधर इसका जो साइज 3 है वो ऐड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ओरिजिनली ग्राफ में एक बार में एक ही नोड को हटा सकता हूँ। तो ये 3 वाला जो मैंने कनेक्ट नहीं किया था ओरिजिनली कनेक्ट रहेगा, तो ये इनको इन्फेक्ट कर देगा, तो मतलब 0 लोग बचेंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैंने 3 वाले को हटाया तो ये 1 वाला फिर कनेक्टेड रहेगा इनके साथ, तो ये ओरिजिनली 0 बचेंगे, तो उस केस में 0 आंसर होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक मैप 2 बना के रखा था, और उस मैप 2 में मैं क्या स्टोर कर रहा था, मैप 2 में ये किसी भी ये ग्रुप का जो लीडर है वो कितने लोगों से मतलब कनेक्टेड है, कितनी बार आया था मैंने यहाँ पर, ये लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी प्लस प्लस मैप 2 ऑफ लीडर ऑफ एक्स। तो अब जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ना, तो जैसे 1 के सामने 11 और 7 है ये दोनों लीडर्स, तो मैं चेक कर लूँगा कि 11 की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा ऐसे लोग उससे कनेक्टेड हैं मतलब इन्फेक्टेड नोड, तो मैं 11 को स्किप कर दूंगा, मतलब क्योंकि 11 कोई आंसर ऐड नहीं कर सकता मेरे को। अगर जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन 1 है, मतलब इक्वल टू 1 है, तो फिर मैं जो भी जितने रैंक है 11 का वो ऐड कर सकता हूँ इस केस में, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ ये पहले तुमको लीडर फाइंड करना पड़ेगा, तो इंटीजर लीडर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू फाइंड ये जो भी नेबर्स हैं, मतलब नहीं सॉरी ये तो लीडर ही है ही, हमने लीडर ही रखा था ना, तो इधर लीडर फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो लीडर ही है। तो इधर हम लोग सिंपली बस वही फाइंड कर लेंगे कि इफ़ मैप टू ऑफ लीडर ऑफ एक्स, ये जो भी है ग्रेटर देन वन लीडर ऑफ एक्स ने, मैप टू ऑफ नेबर्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कंटिन्यू इस एलिमेंट को स्किप कर देंगे, नहीं तो एक इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेम्पररी सम इक्वल्स टू 0, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग टेम्पररी सम प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रैंक ऑफ नेबर्स, ठीक है। फिर इधर बाहर निकलते हुए चेक कर लेंगे कि ये जो टेम्पररी सम जो है हमारा, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम साइज आ रहा है, मैक्सिमम साइज आ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मैक्सिमम साइज़ की वैल्यू को क्या कर देंगे टेम्पररी सम के बराबर और आंसर इक्वल टू एलिमेंट के बराबर। नहीं तो एक और केस बचता है कि इफ़ एल्स इफ़ मैक्सिमम साइज जो है इक्वल्स टू टेम्पररी सम हो जाएगा एंड ये जो एलिमेंट है वो लेस देन आंसर होता है, तो इस केस में क्या करेंगे आंसर की वैल्यू को जो है एलिमेंट के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब बाहर निकल के चेक कर लेंगे हमको रिटर्न क्या करना था आंसर, ठीक है। बस एक और चीज़ बस रह गया कि जब बोला गया था कि मतलब ऐसा कि कोई अब जैसे कि 11 वाला भी सेम आंसर दे रहा है, 7 वाला भी सेम आंसर दे रहा है, तो उस केस में क्या करना था हमको, दोनों में से रिटर्न मतलब जो मिनिमम एलिमेंट है वो छोड़ा करना है। लेकिन अभी एक ऐसा केस समझ लेते हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ कि जब ग्राफ हमने बनाया तो ग्राफ बनाने के बाद कुछ एक ही 7 8 9 बस एक ही ऐसा एक ग्रुप बन गया और कुछ बना नहीं, मतलब 7 8 9 बना और 2 इन्फेक्टेड नोड्स हैं हमारे पास, एक 1 करके और एक 3 करके, ठीक है। तो अब इस केस में आंसर क्या आएगा 1 और 3 के लिए, 1 को मैं हटाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये दो लोगों से कनेक्टेड है, तो 1 के लिए भी 0 आ जाएगा, 3 के लिए भी 0 आ जाएगा, तो इस केस में हम कुछ आंसर लेकर नहीं आ पाए। तो इस केस में हमको क्या जो मिनिमम एलिमेंट है वही रिटर्न करना है, तो मैं चेक कर लूँगा कि फाइनली अगर मेरा आंसर 0 ही है तो मतलब मैं कोई आंसर बना नहीं पाया हूँ, तो उस वाले केस में मैं सिंपली जो मिनिमम एलिमेंट है वो रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो मेरा आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं अगर आंसर 0 है तो सिंपली क्या रिटर्न करना है हमको, मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करना है, तो मिनिमम एलिमेंट और ये क्या नाम है इसका इनिशियल डॉट बिगिन कॉमा इनिशियल डॉट
एंड हमको ये मिनिमम एलिमेंट ही रिटर्न करना है, ठीक है, नहीं तो बाकी केस में तो अपना आंसर रिटर्न कर ही रहे, ठीक है। तो कोड तो ऑलमोस्ट यही था, हमने सारा पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर लिया, बस देख लेते हैं कि जो जो हमने कवर किया सब कुछ लिख दिया कि नहीं। पहले तो हमको ग्राफ से मतलब ग्राफ बनाना था, और मतलब ये ऐसे ये सेट्स बनाने थे, रैंक और पेरेंट एरे मेंटेन करना था डीएसयू के लिए, तो वही देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने ये पेरेंट एरे रैंक एरे बना लिया, और ये ग्राफ में ठीक है ग्राफ बना दिया हमने सही तरीके से, ठीक है। फिर ये उसके बाद हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे, उसके बाद हमको क्या करना था, कि ग्राफ बन गया, तो अब किसी भी कोई भी एक ग्रुप है, किसी भी ग्रुप से हमारा ये नोड कनेक्ट हो सकता है, तो सारे यूनिक पेरेंट्स जो जो हैं हमको वो डालने थे, तो हमने वो कर लिया कि ठीक है जितने भी यूनिक पेरेंट्स हैं अनऑर्डर्ड मैप अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर्स में डाल दिया हमने, ठीक है, और हर पेरेंट की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद फाइनली ये सम करके देख लिया हमने कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यही था कोड मतलब इस प्रॉब्लम का, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी क्या है कि करेंटली जो टेस्ट केसेस हैं ना अपलोडेड मतलब है नहीं पोर्टल पर, तो अभी सबमिट नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब तक आप लोग सबमिट करोगे मतलब इस प्रॉब्लम को, तब तक टेस्ट केसेस अपडेट हो जाएंगे क्वेश्चन पर, तो सॉल्यूशन यही है, इससे आप सबमिट करके देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ठीक है। तो थैंक यू।